इतनी सारी मछलियाँ बाहर क्या कर रही हैं? ओ भाई ये क्या है, तो वेदर चेंज। अरे भाई ये क्या है भाई, ये तो आई ग्रेन माजा है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आई ग्रेन माजा ने कैसे शहर को निगल लिया था, तो उसी को देखते हुए फ्रैंकलिन ने एक पेड़ काटता है और उसे आग लगा देता है। उस आग से आई ग्रेन माजा के पेट में जलन होती है और वो वापस से उस शहर को निगल देती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बार वो लोहे का बनकर आया है और इस बार फ्रैंकलिन क्या करेगा? क्या आखिर इंडियन बाइक ड्राइंग 3D गेम का जो पूरा मैप है वो हमेशा हमेशा के लिए माजा के पेट में चला जाएगा? ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भाई इतने सारे लोग मेरे घर के बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं, चलो पूछता हूँ। अरे भाई ये लोग तो मुझसे ही लड़ रहे हैं, क्यों क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन के बच्चे, तूने तो बोला था कि आई ग्रेन माजा कभी नहीं आएगा, वो आ चुका है। काफी जगह से वो न्यूज भी मिल रही है कि वो दोबारा वापिस शहर में आने वाला है। क्या करें फ्रैंकलिन, और वो अब की बार बहुत ही ताकतवर बन के आएगा। लेकिन तुमने तो पिछली बार उसके पेट में आग लगाकर उसे भगा दिया था, लेकिन इस बार तो वो लोहे का बनकर आएगा। क्या करोगे फ्रैंकलिन, इस बार तो तुम उसे भगा ही नहीं पाओगे। अरे नहीं नहीं दोस्तों, वो भाग चुका है, वो ग्रीन माजा भाग चुका है। न्यूज वाले झूठी खबरें पहुंचाते हैं, आप इनकी बातों पे विश्वास मत करो। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, झूठ तो तुम बोलते हो, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें हमारी जान बहुत कीमती है, हमें आई किसी ग्रीन माजा के मुंह में नहीं रहना। हाँ हाँ भाई चलो, हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैंने उसे भगा दिया और वो कभी नहीं आएगा, तुम ये बात समझो। ये लोग बिना फालतू में ही इधर से भाग रहे हैं, मैंने इल ग्रीन माजा को भगा दिया है गाइस, आप विश्वास करो। छोड़ ना फ्रैंकलिन, तू अपने आप से क्या बातें कर रहा है, चल अपने काम पे ध्यान देते हैं। अरे आज तो मुझे मछलियाँ पकड़नी थी, चलो चलता हूँ समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ने। अरे इतनी सारी मछलियाँ ये समुद्र के बाहर क्यों आई हैं, और ये पूरा वेदर चेंज हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला जो मैं सोच रहा हूँ? पिछली बार की जैसे तुम मेरा अब कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अब पूरा अपडेट होकर आया हूँ, वो भी लोहे का बनकर। और मैं अब की बार तुम्हारे इंडियन बाइक ड्राइंग 3D के पूरे मैप को खा जाऊंगा और मैं पूरा तुम्हारे शहर को अपने पेट में रखूंगा। ओ भाई एल ग्रीन माजा तो फिर से आ चुका है और ये मुरे पूरे शहर को खा लेगा। यार सभी लोग यहाँ से चले गए, मैं ही अकेला बच गया हूँ यार एल ग्रीन माजा के साथ। अरे भाई मेरा क्या होगा फ्रैंकलिन, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे पेट में होगे और तुम एक दिन मेरे पेट से बाहर निकल जाओगे, और वो दिन जब आएगा तुम मर जाओगे। अरे यार ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, बहुत बड़ा है ना, क्या हुआ बड़ा है, तो मैं तो दिमाग में बड़ा हूँ ना इससे। चलो देखते हैं गाइस ये कब तक मेरे से मुकाबला करता है, मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा इसकी नानी याद आ जाएगी। फ्रैंकलिन तुम इस बार कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इस बार लोहे का हूँ, पूरा लोहे का। अरे यार ये तो इस बार लोहे का बनकर आया है, अगर आग भी लगाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्या करूँ भाई क्या करूँ। आइडिया गाइस, मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। गाइस जल्दी से पावर प्लांट चलते हैं, और ये देखो गाइस फाइनली मैं पावर प्लांट आ पहुंचा, और यहाँ पर देखो गाइस एक बहुत ही बड़ा जनरेटर है, इस जनरेटर को मैं अपने गाड़ी पे रखकर समुद्र के किनारे ले जाऊंगा। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस जनरेटर को समुद्र के किनारे क्यों ले जा रहा हूँ, तो आपको सिंपली सी एक बात पता होगी, जनरेटर का काम होता है बिजली बनाना गाइस, और बिजली कैसे बनती है, करंट से गाइस, और करंट सबसे ज्यादा किस पे लगता है, लोहे पे, और एल ग्रीन माजा लोहे का ही बनकर आया गाइस, तो इससे वो मर भी सकता है, और उसने पूरे शहर को पूरे समुंदर को अपने मुंह में लिया है गाइस, पूरा मुंह में लिया है। और मैं जैसे ही गाड़ी लेकर जनरेटर लेकर अपने समुद्र के पास पहुंचूंगा और जनरेटर ऑन करूंगा, दो तार समुद्र में फेंक दूंगा, उसके बाद जो एल ग्रीन माजा के पास होगा उसके साथ जो होगा बहुत ही मजा आएगा। तो ये देखने के लिए गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसके लिए जल्दी से चलते हैं अपने समुद्र के किनारे और एल ग्रीन माजा को 440 वोल्ट का झटका देते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस मैं समुद्र के किनारे पहुंच चुका हूँ और मैं जनरेटर को अपने गाड़ी से उतार लिया हूँ और मैंने तार को पानी में डाल दिया है, और गाइस मैं जल्दी से जनरेटर को स्टार्ट करता हूँ।
और एलग्रेन माहा को पूरा करंट लगाता हूँ। तो गाइज मैं फाइनली इस जनरेटर को चालू कर दिया है और देखते हैं क्या होता है। अरे यार एलग्रीन महा को मैंने इतना ज्यादा करंट लगाया, अभी तक उसने मुझे अपने मुंह से निकाला ही नहीं। लगता है गाइस एक जनरेटर से काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा लाना पड़ेगा। अरे यार एक मिनट, अरे यार ये तो एलग्रीन महा अपना मुंह पूरा खोल रहा है। तो फाइनली गाइस इसने अपना मुंह पूरा खोल दिया और सभी को अपने धीरे धीरे मुंह से निकाल रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय गाइज।